happens? What have you learned? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की जो गाड़ी है ना यार, गाड़ी नहीं यार, ये तो ना मैं बोलूँगा कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना उनका दिल ही है। मैं क्योंकि इस बजट में ऐसे साइज में ऐसी लुक के साथ ना और कोई गाड़ी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो गाड़ी है जी आपकी टाटा की पंच, और टाटा पंच का ना ये आपका एडवेंचर AMT वेरियंट है 1.2 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन के साथ। तो आज इसी गाड़ी का ना आपको ओवरऑल रिव्यू दूंगा कि 2024 में इस गाड़ी पे या इस वेरिएंट पे आपको पैसे लगाने वर्थ है कि नहीं। तो अगर फ्रंट से बात करूँ ना यार, फ्रंट से तो नो डाउट, सीरियसली SUV स्टांस तो आपको देगी और लगती भी है SUV स्टांस वाली, क्योंकि हैवी ये मिनी SUV कैटेगरी की है। अगर टॉप पे देखें ना, यहाँ पर मिलते हैं जी आपको इसके पार्किंग लाइट्स, जो कि अगर ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे ना यही DRL बन जाते हैं, साथ में इंडिकेटर आगे। उसी के नीचे आपको ना ये हैलोजन बेस इसके रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, लोअर हाई बीम के लिए यही काम करेगा। बाकी इस वेरिएंट में ना कोई भी आपको ये फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। बाकी अंदर पूरा का पूरा ना स्मोकी इफेक्ट है, तो उससे चार चांद ही लग जाते हैं गाड़ी को। बाकी ये देखो, इस तरफ भी ना आपको ये एयर डैम सा मिलता है। आप अगर सेंटर में आए तो सेंटर में ऐसी कुछ आपको इसकी ग्रिल मिलती है। टॉप पे अगर देखोगे ना, ये पूरा का पूरा आपका ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। सेंटर में आपका टाटा का लोगो आ गया, उसी के नीचे जी आपकी मैट ब्लैक फिनिश में रेडिएटर ग्रिल आ गई। बहुत ही बड़ा सा बम्पर है, बॉडी कलर और मैट ब्लैक फिनिश में है। स्किड प्लेट भी ना आपकी ये मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलती है। अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करो ना, तो साइड प्रोफाइल से नो डाउट लगती तो है ये SUV स्टांस वाली गाड़ी, मिनी SUV इसको ऐसे नहीं बोलते। अब अगर यहाँ पर देखें ना, तो यहाँ पर मिल जाते हैं जी आपको इसके 15 इंचेस के C8 के सिक्योरा ड्राइव के टायर, स्टील रिम आते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। अच्छी बात है कि आपको ना इसमें व्हील कवर आ जाते हैं, और व्हील कवर भी ना पियानो ब्लैक फिनिश में है, जो कि ना अच्छी लुक देती है यार, नो डाउट बहुत अच्छी लुक आ जाती है। साथ में ये आपकी व्हील आर्चेस की क्लाइडिंग भी आ गई, बड़ी सी क्लाइडिंग आपकी डोर पे भी मिल जाती है। बाकी बॉडी कलर ही आपको ORVM मिलते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर, पेडल लैंप वगैरह इसमें कुछ नहीं आता है। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका मैट ब्लैक है, सी पिलर भी आपका बॉडी कलर मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। कोई रूफ रेल वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलती है आपको, लेकिन बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं जी। यहाँ पर आ जाती है आपकी इसकी फ्यूल टैंक, जिसकी कैपेसिटी जो है 37 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। अब अगर रेयर लुक से देखें या रेयर से, तो सीरियसली बहुत ही कातिलाना लगती है यार। आपने मेरे को कमेंट करके बताना कि टाटा पंच की आपको लुक कैसी लगती है। बाकी यहाँ पर देखें ना, तो यहाँ पर आ जाते हैं जी आपके इसके टेल लैंप, ये भी आपके हैलोजन बल्ब वाले ही हैं, LED नहीं है। यहाँ पर आपका इंडिकेटर आ जाता है, ये रिवर्स की लाइट आ जाती है, ये आपका स्टॉप लैंप आ गया। उसी के नीचे आपको यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, साथ में आपका टॉप पे यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप आ गया, आपका पावर एंटीना आ जाता है। बॉडी कलर ही आपको ये स्पॉइलर मिल जाता है। इस वेरिएंट में ना आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह वो नहीं मिलेगा। बाकी वोकल फॉर लोकल की बैजिंग तो यहाँ मिली जाती है, यहाँ पर टाटा का लोगो आ गया, नीचे पंच की बैजिंग आ जाती है। बाकी जी दो रिवर्स के आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, कोई रिवर्स का कैमरा वगैरह इसमें नहीं मिलता, लेकिन वो आप एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल करवा सकते हैं जब आप ये गाड़ी लेने जाएंगे। अब लगे हाथ अगर आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं, राइट, तो ऐसी कुछ ना आपको इसकी मैसिव सी बूट स्पेस मिल जाती है। अगर बोलूँ तो 366 लीटर्स की आपको मैसिव सी ये बूट स्पेस मिल जाती है ना, जो कि बहुत स्क्वेरिश टाइप में है। साथ में आपको बूट लैंप भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको 1 kg का एक हुक मिल जाएगा, एक हुक यहाँ पर आ जाता है। और यार बहुत अच्छी खासी आपको ये बूट स्पेस मिल जाती है, आप अपना सामान ना फैमिली का अच्छा खासा रख सकते हैं। और बहुत डीप है तो थोड़ा सा झुकना तो पड़ेगा ही आपको। इसके नीचे देखें तो इसके नीचे मिलता है जी आपको स्पेयर टायर, और आपका जो टूल है हैजार्ड साइन आ गया, वो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। अच्छी बात है कि इस वेरिएंट में ना आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है यार, प्रीवेसी के लिए, अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान बूट में पड़ा ना तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। बाकी यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की ना टाटा को अभी मेहनत करनी है, लेकिन बहुत आगे पहुँच गया, लेकिन कहीं कहीं जगह फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर भी आपको ये बूट का कवर सा मिल जाता है, यहाँ पर आपका ये हैंडल मिल जाता है। तो ये आ गया दोस्तों आपका टाटा पंच का 1.2 लीटर
नेचुरली एस्पिरेटेड थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब अगर इसके पावर फिगर की बात करूँ ना, तो आपको ये 86 BHP की पावर और 115 Nm का टॉक, 115 Nm का आपको धांसू सा टॉक निकाल के देता है। बहुत रिलायबल इंजन है यार, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये चलता रहा, आजकल ज़्यादा मैन्युफैक्चर थ्री सिलेंडर इंजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छा इंजन है। आपको कैबिन नॉइज़ तो आएगी यार, देखो जो थ्री सिलेंडर का इफेक्ट है ना, वो तो आपको कैबिन में डेफिनेटली महसूस होगा, लेकिन उसके बाद भी ना टाटा ने बहुत कोशिश की है उसको रिड्यूस करने की, तो अच्छा खासा पावर भी आपको सफिशेंट मिल जाती है। बाकी चलाने चलाने पे डिपेंड है, साथ में आपको यहाँ पर बोनेट की इंसुलेशन भी मिल जाती है। तो इंटीरियर से पहले यार एज़ यूजुअल की देख लो इसकी, तो ऐसी वही जो नॉर्मल टिपिकल टाटा की आती है ना, फ्लिप की आपको मिलेगी, एक फ्लिप की है, एक आपकी ये नॉर्मल की मिलती है। इसमें आपको ये लॉक अनलॉक और फॉलो मी होम हेडलैम्प का बटन मिल जाता है, पीछे आपको ये टाटा का लोगो मिल जाता है। अब अगर इंटीरियर देखे तो इंटीरियर यार आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, ब्लैक और ग्रे, अगर मैं बोलूँ आइवरी नहीं है, ग्रे फिनिश का आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। डोर पे देखे ना, तो डोर पे एज सच आपका डोर है, कहीं भी लेदर वर्क नहीं मिलेगा आपको, सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको, ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है इसी वेरिएंट में, ऑटो फोल्डेबल और एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर आ गया कुछ सामान रखने की जगह, यहाँ पर आपको ये स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट आ गई। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जी ये आपको इको मोड मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट सिटी में चलती है, साथ में इको मोड मिल रहा है यार इसी वेरिएंट में, वाह। यहाँ से आप अपनी जो बोनेट है उसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। अब अगर सीट की बात करूँ तो सीट यार आपको फिक्स्ड मिलती है, ये थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ना कम से कम एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये फिक्स्ड आपको सीट मिलती है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको दो एडजस्टेबल ना हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब बैठे जी गाड़ी के अंदर और बाकी की बात अंदर बैठ के करते हैं, इसको लगा दे, चलो ये लगी। ओए हो यार, ये होती है 5-star रेटिंग वाली थर्ड ना, गाड़ी में बैठते सारी पता लगता है कि आप ना सेफर गाड़ी में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस गाड़ी में। तो ऐसा कुछ ना आपको इसका नॉर्मल तो नहीं, डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन लेदर रैप नहीं है, नॉर्मल है। इस तरफ आपके ये मीडिया के कंट्रोल आ जाते हैं, इस तरफ आपको कुछ नहीं मिलता है। अब अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करूँ ना, तो एडजस्टमेंट यार अच्छी बात है, इसमें टिल्ट और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। इस तरफ आपके ये वाइपर के कंट्रोल आ गए, इस तरफ आपको ये हेडलाइट के कंट्रोल आ जाते हैं। अब अगर इसको स्टार्ट करूँ, अब गाड़ी भी स्टार्ट कर ही देता हूँ यार, ओके परफेक्ट। तो ऐसा कुछ ना आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है गाइस, जो कि ना एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। इस तरफ आपका टैकोमीटर आ जाता है, इस तरफ आपका स्पीडोमीटर आ जाता है। अब अगर सेंटर में देखेंगे ना, यहाँ पर आपको गियर नोटिफिकेशन आ जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो गियर नोटिफिकेशन, नीचे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी आ गया, यहाँ ऑडोमीटर आ गया, नीचे आपका ये इंजन टेम्परेचर आ जाता है, ये फ्यूल की इंफॉर्मेशन आ गई, ये आपकी बूस्टर इन्फॉर्मेशन आ गई, फ्यूल इन्फॉर्मेशन यहाँ है, ऊपर टाइम आ गया। अब अगर इसको नेविगेट करें, कहाँ गया, हाँ अगर नेविगेट करें तो इसमें आपको ये आउटसाइड टेम्परेचर आ गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑडोमीटर, तो यही आपको ना इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। अब अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाता है, उसी के साथ जी यहाँ पर कैबिन लाइट आपको येलो कलर की कैबिन लाइट आ जाती है, यहाँ पर आपका ये माइक आ गया, इस तरफ आपको मिरर मिल जाता है, अच्छी बात है, ड्राइवर साइड पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। अब अगर यहाँ देखे तो यहाँ पर ना आपको इस वेरिएंट में सिंगल डिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला आपको ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, उसी के नीचे आपके ये पियानो ब्लैक सराउंड के साथ AC वेंट आ जाते हैं, यहाँ पर आपके ये फिजिकल बटन भी आपके म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसी के नीचे जी आपको ये AC कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो AC नहीं है, मैनुअल है, लेकिन कम से कम AC तो है। उसी के नीचे जी आपका ये एक पावर टाइप ए USB आ गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आ गया, यहाँ पर कोई भी आपको वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ये आ गया जी आपका AMT ट्रांसमिशन, इसलिए बोल रहे हैं जिसको ऑटोमेटिक चाहिए ना उसके लिए काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो वीडियो के बाद में एंड में बात करेंगे। तो ये आपका AMT ट्रांसमिशन आ गया, बाकी यहाँ पर भी आपको ये कुछ जगह मिल जाती है सामान रखने की, यहाँ पर ऊपर वाले वेरिएंट में ना यहाँ पर भी एक आपको पावर सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। बाकी दो कप होल्डर आ गए, हैंड ब्रेक आ गई आपकी,
बाकी ग्लव बॉक्स देखे तो ग्लव बॉक्स अच्छा खासा बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिलता है आपको, कोई कूलिंग फीचर वगैरह या इल्यूमिनेशन इस ग्लव बॉक्स में नहीं मिलती है, लेकिन अच्छा है यार सेफ्टी के परस्पेक्टिव से भी ना अच्छी खासी गाड़ी है, क्योंकि आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर साइड पे, ऊपर से टाटा की स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी तो है ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे का डन, आप चलते हैं इसकी रेयर सीट पे। तो ऐसा कुछ गाइस आपको ना टाटा पंच की रेयर सीट का लुक मिलता है। रेयर सीट दिखाने से पहले ना यार आप ओपनिंग देखो यार डोर की, कितनी वाइड है, 90 डिग्री ओपनिंग है चारों दरवाजों की, और अंदर आना बाहर आना ना बहुत ईजी हो जाता है यार इस 90 डिग्री एंगल के साथ। अब अगर आपको इसकी सीट दिखाऊं तो ऐसी कुछ ना आपको है, सारे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, कहीं भी लेदरेट नहीं है, ऐसी ना बहुत ही लंबी सी और बहुत ही चौड़ी सीट आपको मिल जाती है। तीन बंदे आपके बैठ जाएंगे अगर एक बंदा ना आपका थोड़ा सा ठीक ठाक हेल्थ के साथ है, अगर हैवी हेल्थ के साथ ना तो बैठेंगे इसमें दो बंदे ही, लेकिन तीसरा बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा। अच्छी बात है 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है आपको, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी मिल जाते हैं, जो पीछे के हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स मिलते हैं, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है। डोर के देखें तो डोर पे आपको एज सच कहीं भी लेदर फिनिश नहीं मिलती है, ब्लैक और ग्रे का आपको कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पर आपका ये पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल आ गया, पावर विंडो का कंट्रोल आ गया, उसी के नीचे बॉटल होल्डर आ गया, यहाँ स्पीकर ग्रिल आ गई, यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट आ जाती है। अब गाड़ी के अंदर बैठूँ तो ऐसा कुछ यार अंदर आना बाहर जाना ना बहुत ईजी है, और सीट्स भी इतनी कुछ नहीं है ना यार, टाटा की सीटिंग में तो ना कभी भी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। बाकी गाइस मैंने अगली सीट ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है 5'10", और उसके बावजूद देखो कितना मेरे पास नी रूम है। अब अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम में मेरी हाइट जितने के लिए तो ठीक है यार, हेडरूम मेरी हाइट से ऊपर होगा ना 5'11" 6", उनका डेफिनेटली जो सिर है वो टच होगा, लेकिन फिर भी यार अगर आपने छोटी मोटी 50-60 किलोमीटर की ड्राइव करनी है ना वो आप इजीली इसमें कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थाई सपोर्ट भी देख लो, थाई सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबली है। अब मैं जैसे कह रहा था ना मेरी हेल्थ जैसे बैठेंगे ना तो दो ही बंदे बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा। बाकी हम्प तो ना बराबर ही हम्प है, कोई रेयर के एसी वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड का लुक मिल जाता है रेयर सीट से। और रही दोस्तों तो ये थी जी आपकी टाटा पंच 2024 वाला वेरिएंट, टाटा पंच का एडवेंचर AMT वेरिएंट है जो कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। अब अगर इसके पैसे की बात करूँ ना यार तो एक्शोरूम जो इसका है वो है 7,59,990, मोटा मोटा 7,60,000 पे मान लो 7,60,000 इसका एक्शोरूम है। अभी मैं जैसे हूँ PMG टाटा मोहाली में, तो यहाँ पर भी यार आप बोलूँगा कि बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है। तो यहाँ पर जो आपको ये ऑन रोड पड़ती है ना मोहाली में या पंजाब में बोलूँ तो वो पड़ती है जी 9,45,000, मोटा मोटा मान लो 9,45,000। तो इसलिए मैं कह रहा था यार अंडर 10 लाख ना किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी है, जिनको ना अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए, ज़रूरत वाले फीचर इसमें मिल जाएं, जैसे कि आपको बड़े टायर मिल जाए, SUV स्टांस मिल जाए, और सबसे अच्छी बात कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाए, म्यूज़िक सिस्टम भी हो, सेफ्टी परस्पेक्टिव से भी आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाए जो कि टाटा की गाड़ियों में होता है। तो जिनका बजट 10 लाख ऑन रोड है ना, जिनको TCS भी बताना है, उनके लिए टाटा पंच का ये बेस्ट वेरिएंट है, ठीक है। इसमें आपको ज़रूरत के ऑलमोस्ट सभी फीचर मिल जाते हैं, ऊपर से एडजस्टेबल ORVM भी है, एवरेज की भी कोई टेंशन नहीं है यार, एवरेज भी आपको 20+ की आराम से एवरेज दे देगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा गाइज, बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए ना स्क्रीन पे आपको यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, कॉल करके आप अपनी जो भी क्वेश्चन है ना वो पूछ लेना। तो यही था गाइज आज की वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आएगी, पसंद आए तो एक लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।